अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत हो गया आपका फौजिया की दुनिया में। तो गाइस, आज ईद मिलादुन है। आप सबको हमारी तरफ से ईद मिलादुन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं बनाने वाली हूं खीर पूरी, तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी मैं। अभी दूध गर्म करने रख रही हूँ मैं गाइस, बताती हूँ। देखो, देखिए गाइस, 5 पैकेट दूध ले रही हूँ मैंने। ये एक मिल्क में एक का डब्बा भी लेके आई हूँ, मिल्क मैन भी जाएगा इसमें। देखिए, ये पहले पतीला गरम कर रही हूँ मैं। देखिए देखिए गाइस, अभी मैं दूध डाल रही हूँ। अभी सब दूध डाल देती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। देखिए गाइस, हमारा दूध अच्छी तरह से पक चुका है। देखिए, आधा घंटा हो गया इसको पकाते हुए, आधा से पौना घंटा हो गया इसको पकाते हुए। अभी इसमें मैं डालूंगी साबुदाना, भिगाई थी मैंने, ये 100 ग्राम है गाइस। अभी इसमें डाल दूंगी, तो भी अच्छी तरह से पका लूंगी मैं इसके साथ में। ये देखिए, स्पेशल खीर है ये, इसको अच्छी तरह से पका लूंगी मैं। और यहाँ देखिए, मैंने चावल भिगा के रखी थी, ये लगभग कितने हुए हैं, ये आधी कटोरी है ये भिगा के, थोड़े ली थी मैंने तो आधी कटोरी हो गई ये भीग के। और यहाँ पे देखिए, काजू बादाम ले ली हूँ मैंने, इसको भी पीस लूँगी मैं इसके साथ में दरदरा। ये देखिए गाइस, बताती हूँ, बादाम वो भिगा के रखी थी मैंने, भिगा के छील ली हूँ मैंने। ये देखिए, अभी मैं इसको पीस लेती हूँ। देखिए गाइस, चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको पीसे बाद। गाइस, हमारा चावल पीस के हो गया, चावल बादाम काजू, और इसमें मैंने एक हरी इलायची भी डाल दी थी एक दो छोटी। ये देखिए, मोटा बारीक पीसना है। अभी मैं इसको दूध के साथ अच्छी तरह से पका लूँगी। देखिए गाइस, इसमें डालेंगे अपनी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अच्छी तरह से पका लेंगे अब। ये अच्छी तरह से पक जाएंगी, फिर गाइस मैं इसमें शक्कर और मिल्क मैट डालूंगी, फिर बताती हूँ मैं। देखिए गाइस, एक कटोरी शक्कर ली हूँ मैंने यहाँ पे, इसमें केसर डाली हूँ मैंने। देखिए गाइस, दिख रहा है ना केसर। और यहाँ पे मिल्क मैन का डब्बा खोल के रखी हूँ मैंने, ये एक मिल्क मैन का डब्बा और ये एक कटोरी शक्कर, मेरे हिसाब से तो बराबर हो जाएगा। ये हमारी यहाँ पे खीर हो रही है। देखिए गाइस, कितनी बेहतरीन हो रही है ना, दिख रही है ना। ये डाल देंगे अपने इसमें शक्कर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Man.
बहुत जबरदस्त खीर बनेगी गाइस। ये इसको बस जलने नहीं देना, बस हिलाते रहना है गाइस। देखिए इसको मैं, ये दूध पकते हुए तो कब 1 से 1.5 घंटा हो गया है गाइस। ये दूध पकते हुए स्लो पे पका रही हूँ एकदम। अभी और इसको पका लूंगी मैं अच्छे से, और अभी आटा गूंथ लेती हूँ मैं पूरी का। सादी पूरी बनाऊंगी मैं, बताती हूँ गाइस। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने 1/2 किलो से थोड़ा कम मैदे का आटा ली हूँ मैंने। अभी इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, और इसमें तेल डालूंगी, तेल डाल के अच्छे से मलूंगी। इसमें 2 चम्मच तेल डाली हूँ मैंने इसमें, और इसको अच्छे से मसल लूंगी गाइस। देखिए देखिए है ना। अभी मैं इसको अच्छे से आटा गूंथ लूंगी, फिर मिलती हूँ मैं आटा गूंथने वाला। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने आटा गूंथ ली हूँ, ये देखिए। अब ये पेड़े बना के पकड़ी बना लूंगी मैं, चुपेटो ना खा लूँ। खा लिया है ना, बहुत सताती है। नहीं बेटा अभी आटा नहीं लेते, अपने भी अल्लाह अल्लाह बना रहे ना, नियाज बना रहे। ये देखिए गाइस ऐसी पकड़ी बना लूंगी मैं, और फिर सब बना लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। देखिए गाइस हमारी खीर कितनी बेहतरीन दिख रही है ना। देखिए ये खावा 100 ग्राम खावा है, ये इसमें डाल दूंगी मैं। देखिए गाइस देखिए ये देखिए गाइस हमारी अब खीर रेडी है। अब थोड़ी देर पका लूंगी मैं इसको, खावे के साथ में थोड़ी देर पका लूंगी, और फिर मैं गैस बंद कर दूंगी। ये सब साइड से निकालते जाने का, बनाते जाओ। अभी पूरी तल लेती हूँ मैं, है ना गाइस। अभी मैं मिलती हूँ। देखिए गाइस हमारी पपड़ी बनके रेडी हो गई है, अभी तलने के लिए तैयार है।
देखिए देखिए गाइस, यहाँ पे तेल गरम हो चुका है हमारा। अभी बस एक एक पपड़ी। देखिए गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने नई कढ़ाई लाई हूँ गाइस, छोटी सी है ना। इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अभी मेरा बेटा इस फातिया दे देगा खीर पपड़ी पे। देखिए गाइस, हमारी पूरी हो गई है। अभी मैं इसको निकाल लूंगी। हमारी पपड़ी पूरी, हमारी खीर पूरी अभी रेडी है गाइस। अभी मैं फातिया दिला के आया नहीं, यासीन पढ़, यासीन पढ़ो, वो पढ़ो और फिर फातिया दे देना। ये गाइस, हमारी पूरी तल के रेडी हो चुकी है। अभी मैं फातिया के लिए निकालती हूँ खीर, वो फिर बताती हूँ। देखिए गाइस, मेरा बेटा फातिया दे रहा है खीर पूरी पे। देखिए हमारी नियाज हो गई है, अभी फातिया देंगे, फिर आजू बाजू में बांटेंगे। मेरी फारिया देखो उधर खड़ी है, मेरी फारिया भी तस्वीर पढ़ रही है गाइस, है ना फारिया? क्या पढ़ रहा मम्मा? अल्लाह समत पढ़ रही है फारिया। फारिया को लग गया गाइस, उसके पैर में से खून निकल रहा था। अभी बैंडेज लगाए हम लोग ने। चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर से। तो गाइस, हमारा खीर पूरी हो गई थी बनके रेडी। हम लोग ने फातिया भी दिला दिए थे, फातिया दिला के हमारा हो गया। हम लोग ने खीर पूरी भी खाई थी गाइस, अच्छी बनी थी ना फारिया? फारिया को पसंद आई थी गाइस, स्पेशल खीर बनाए थे हम लोग ने। आप भी गाइस हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, हमारे स्टाइल में ज़रूर खीर बनाना और सबको खिलाना। हाँ गाइस, तो गाइस हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है ज़रूर कमेंट में बताना। हमें लाइक करो, बोलो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। तो गाइस, इसी के साथ में ये ब्लॉग को एंड करेंगे हम। तो गाइस, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापिस। और गाइस, आप सबको ईद मिलादुन नबी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बाय।